हेलो मेरे प्यारे दोस्त, सबसे पहले स्वागत है आप सभी को आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल पे। प्यारे दोस्त, इस वीडियो में बताने वाला हूँ डिग्री पार्ट वन में एडमिशन लेने वाले वैसे छात्र जिनका थर्ड मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया और जो किसी न किसी कारणवश एडमिशन के लिए फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाए। तो यूनिवर्सिटी से डायरेक्ट ये इन्फॉर्मेशन आया है कि डिग्री वन की 98,000 सीटें रह सकती है खाली, देख सकते हैं। और ये ललित न्याय मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा का इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। तो प्यारे दोस्त, आपको मैं पहले भी बताया था लेकिन आप लोग बार बार फिर भी कमेंट कर रहे थे कि सर मेरा एडमिशन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, थर्ड मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया। तो मैं आपको बता दूँ, थर्ड मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा। आपको स्पॉट राउंड के बारे में मैं बताया था, तो अब स्पॉट राउंड चालू होगी और इसके बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस यूनिवर्सिटी में जो सीटें हैं टोटल राज्य सरकार के द्वारा दिया गया वो 2,74,000 सीटें स्वीकृत है, जबकि अभी तक जो स्टूडेंट ने फॉर्म अप्लाई किया है वो 1,76,000 के लगभग ही अप्लाई किए हैं। इसमें से बहुत सारे दोस्तों जो है वो अभी तक एडमिशन भी नहीं ले पाए हैं और बहुत सारे का जो है अभी तक नाम नहीं आया है। तो इस स्थिति में आपको मैं बता दूं कि आप लोगों का जो स्पॉट राउंड की प्रक्रिया है वो बहुत जल्द चालू होगी और आपको इस प्रकार से देख सकते हैं कि आप लोगों को लगभग जो है 76,000 या 74,000 सीटें जो है आप लोगों को खाली रहेगा। और आप लोगों को पहले भी बताया कि यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है कि 98,000 सीट खाली रहेगा। अगर पूरा स्टूडेंट अगर एडमिशन ले लेते हैं तो 74,000 सीटें जो है वो खाली रहेगा। तो इस स्थिति में कॉलेज को क्या करना पड़ेगा, स्पॉट राउंड की प्रक्रिया चालू करना पड़ेगा और कॉलेज सब जाएंगे यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी से स्पॉट राउंड की प्रक्रिया चालू होगी और इसके बारे में मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। बहुत जल्दी ही स्पॉट राउंड की प्रक्रिया स्टार्ट होगी। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।